हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी टेक्नीशियन प्रोविजनल पैनल के लिए बधाई और शुभकामनाएं। आईटीआई टेक्नीशियन का प्रोविजनल पैनल है और कह सकते हैं टेक्नीशियन का प्रोविजनल पैनल 3 है, जिसमें आपका 375 कैंडिडेट का नाम आया है। आरआरबी चेन्नई है, जिसमें 7 नंबर कट ऑफ कम हुआ है कैटेगरी नंबर 85 के लिए एक में। हालांकि ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आईटीआई का टेक्नीशियन जहां कम पोस्ट रहते हैं, अगर एक कैंडिडेट आ गया तो 5-10 नंबर बढ़ना और 5-10 नंबर कम होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पोस्ट कम होने के वजह से फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी बोला था। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर भी देखेंगे कि बहुत सारे कटक बराबर के बराबर हुए हैं और कई सारे में तो और ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ चलिए इसको देखते हैं नीचे। इस पैनल को अगर देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं, तो देखने के लिए हम चलेंगे वेबसाइट पर। तो वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें अभी के अभी पैनल आ चुका है, जिसमें कौन कौन से कैटेगरी का है, 18, 45, 56, 61, 67, 84, 121, 137, 143, 148, 154 और 156, इतने कैटेगरी का पैनल में नाम है। अगर इसमें आपका है तो आपके लिए फिर से बधाई एक बार और। इसको क्लिक करिएगा तो अभी इस बार पीडीएफ खुलेगा। हर बार आपको वेबसाइट के रिजल्ट में दिखता था, इस बार पीडीएफ खुलेगा, जिसमें बोला गया है कि ये सारे कैटेगरियों का ये पैनल है। कैटेगरी नंबर यहाँ भी देख सकते हैं और टोटल इसमें 375 लोगों का नाम है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद और बाकी पोस्ट का ओनली वन मोर पार्ट पैनल। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, वन मोर पैनल प्योर पब्लिश शॉर्टली इज मोर एलिजिबल कैंडिडेट। दूसरा पैनल भी इसके बाद आएगा, क्योंकि इसमें पूरा कैटेगरी नहीं दिया है और आरआरबी की वेबसाइट पे हमने पहले भी आप ही के साथ देखा था कि यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो आपको वेबसाइट पे ये लिखा था कब तक पैनल आपको दिया जाएगा। तो ये दिया था दिस मंथ ऑफ इंड, 30 नवंबर तक दिया जाएगा। तो एक दिया गया है और भी पैनल अभी आने की संभावना है। तो इस लिस्ट को ओपन हम करना चाहेंगे तो एक एक करके हम इसमें देख लेते हैं। स्लाइड के रूप में भी देखना चाहें तो स्लाइड के रूप में भी हमें दिख जाएगा, और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल में आप पीडीएफ फाइल यहां अवेलेबल हो गया है, पीडीएफ फाइल से भी देख सकते हैं। तो हम यहां से देख लेते हैं एक एक करके, इसको हम बड़ा कर लेते हैं इस पैनल को। इस पैनल में हम देखते हैं पहले कैटेगरी जो है, सबसे पहला कैटेगरी है 18 नंबर, जिसमें 2 लोगों का मात्र नाम आया है, एक एससी और एसटी का। कहिएगा कि कम वैकेंसी था क्या, तो कम वैकेंसी नहीं, इसमें 28 वैकेंसी है कैटेगरी नंबर 18 में, उसमें से 2 लोगों का नाम आया है। अगला कैटेगरी नंबर 45 है, जिसमें कटअप के बारे में देखिएगा तो कटअप बिल्कुल बराबर गया है। यूआर की कटअप यहाँ पे यही थी 59.22, 943, वही सेम के सेम नाम आ गया है। उसी तरह ओबीसी की जो कटअप थी वही आ गया है, और एसटी की 53.55 था, तो ये 45 नंबर में सेम के सेम नंबर अब कटअप हुआ है, ना कम हुआ है ना बढ़ा हुआ है, जैसा कि मेन लिस्ट में थी। जैसा कि आप देखना अगर चाहे तो मेरे पास अगर लिस्ट हो तो मैं एक बार आपको दिखा ही दूँ। 45 नंबर की कैटेगरी अगर देखना चाहेंगे, 45 नंबर कैटेगरी का कटअप सेम के सेम गया है, कोई नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे एसटी का कोई वैकेंसी नहीं था। तो 59.22, 53 और 59.10 ओबीसी का, जो कटअप सेम था सेम के सेम हो गया। और इसलिए ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये 45 नंबर कैटेगरी में 7 लोगों का नाम है और टोटल वैकेंसी 7 ही थी, यानी पैनल कंप्लीट है, इसलिए हम कटअप को वेरीफाई कर पा रहे हैं, सेम के सेम रहा। उसके बाद 45 नंबर के बाद आएंगे 56 नंबर में। 56 नंबर में आप देखिएगा तो टोटल कैंडिडेटों का संख्या 7 है, लेकिन 56 नंबर में टोटल वैकेंसी 15 है, तो अभी कुछ कहना बाकी है। 61 नंबर में देखिएगा तो 61 नंबर में टोटल 24 वैकेंसी है, 24 वैकेंसी में से 22 लोगों का नाम आ चुका है। नीचे की तरफ देखेंगे तो टोटल 22 लोगों का नाम है। इसकी भी कटअप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कम थोड़ा आसपास में ही कटअप होगा, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं किया हूं। उसके बाद अगला आपकी कैटेगरी नंबर हमारे पास 65 है, 65 में 50 लोगों का नाम आया है और टोटल वैकेंसी 60 है, यानी 10 लोगों का भी नाम आना बाकी है। कैटेगरी नंबर 65 में देखिएगा टोटल 50 लोगों का नाम मिलेगा, देखिए लास्ट कैंडिडेट 50। उसके बाद कैटेगरी नंबर 67 देखिएगा, 67 कैटेगरी नंबर 67 में देखिएगा तो यहाँ पर 45 लोगों के आना चाहिए था, आया कितने का है, 25 का। तो
तो इसमें भी अभी बहुत बाकी है, अभी 20 लोगों का नाम बाकी है। तो 67 को हम देख लिए, 67 के बाद हम अगर देखना चाहेंगे तो 67 यहाँ हुआ, एक मिनट कुछ दिक्कत कर रहा है इसकी स्लाइड। 67 के बाद हमारे पास आनी चाहिए, अगली कैटेगरी होनी चाहिए 74, 624 यहाँ आता है। तो 74 में आप देखिएगा, 74 में टोटल लोगों का 4 नाम आया है, और 74 में अगर पोस्ट कहिएगा तो 10 पोस्ट है, 10 में से 4 लोगों का नाम आया है, 6 अभी बाकी है। 83 नंबर कैटेगरी जिसमें आप देखेंगे तो 13 लोगों का नाम आया है, और टोटल यहाँ पे वैकेंसी 16 है। और साथ में आपका मार्क्स यहाँ पे देखते जाइएगा, कौन सी कम्युनिटी में आपका सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपकी एक्चुअल कम्युनिटी और यहाँ जिसमें सिलेक्ट हुए हैं वो कम्युनिटी है। तो ये नाम के साथ सारा डिटेल दिया हुआ है। तो 83 नंबर में 12 लोगों का नाम आया है, 83 में 12 और एक यहाँ पे नीचे 13 में नाम है। उसके बाद 85 नंबर कैटेगरी, 85 में देखिएगा तो 26 लोगों का नाम मिलेगा नीचे की तरफ, और टोटल वैकेंसी 30 थी, तो 30 आउट ऑफ 26 यहाँ नाम आ चुका है 85 में। 85 के बाद 121 और 85 में भी अगर वेरीफाई हम करना चाहें, कट ऑफ की बात किया था कि मैंने 7 नंबर कम हुआ है, तो ST का कट ऑफ की मैंने बात किया था, तो 26 है, अभी भी 4 वैकेंसी आना यहाँ बाकी है, 4 लोगों का नाम आना बाकी है। लास्ट कट ऑफ देखिएगा 25.3999, कितना है 25.399, और 89 नंबर में अगर देखिए, 85 नंबर कैटेगरी का मेन कट ऑफ देखिएगा, जो मेन आपका आया था 85 का, वो आपका SC कैटेगरी का देख सकते हैं आपके पास, RRB साउथ रेलवे का है, जिसमें वर्कशॉप है, मैशनिस्ट वर्कशॉप, जिसमें SC की कट ऑफ आपको देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गई थी, तो 32.35। हालांकि ये भी कट ऑफ कम हुआ है SC और UR और SC और ST, तो ST का 32.35 से 25 नंबर कट ऑफ आ चुका है, यानी 7 नंबर इसका कम हुआ है। हालांकि कैंडिडेट एक या दो ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत शार्प वेरिएशन करता है टेक्नीशियन में। उसके बाद OBC अगर AC और UR का भी देखना चाहेंगे तो ये दोनों भी कट यहाँ कट ऑफ कम हुआ है। तो नीचे की तरफ देखिएगा तो UR में लास्ट कैंडिडेट जो है वो करीब करीब 40 ही है, और लेकिन OBC आपका AC में देखिएगा 38 आ गया है, तो AC की भी कट ऑफ 2 नंबर कम हो गया है। तो ये डिटेल है, थोड़ा कम ज़्यादा होते हैं कट ऑफ यहाँ पर कम होते जा रहा है। उसके बाद अगला कैटेगरी 121 है, जिसमें 3 लोगों का मात्र नाम है, 16 वैकेंसी है, उसमें से 3 लोगों का नाम है। 137 नंबर कैटेगरी में टोटल वैकेंसी 190 है, और यहाँ पे पैनल में नाम कितने लोगों का है, तो 178 का, सबसे बड़ा यही 137 नंबर ट्रैक मशीन सबसे ज़्यादा साउथ रेलवे में आया है। तब भी यहाँ पे अगर कह दे 12 वैकेंसी अभी खाली है, तो 137 लोगों का नाम नीचे की तरफ, 137 में 100 कितने लोगों का नाम आना चाहिए, तो 178 का, तो 137 में देखते जाइएगा तो ये नंबर बढ़ते जाएगा, नीचे बढ़ते जाएगा, नीचे बढ़ते जाएगा, नीचे बढ़ते जाएगा, आपका 171 तक हुआ, उसके बाद 178 तक यहाँ लास्ट नाम आप देख लीजिए, सीरियल नंबर 171 है, उसके बाद 143 में देखिएगा तो 143 में 4 पोस्ट के लिए 4 ही लोगों का नाम है। यहाँ कट ऑफ क्या हुआ है देख लें, क्योंकि पैनल 143 का कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ देखिए UR का 50.92 है, OBC का 44 है, तो 50.92 देख लेते हैं UR के लिए, कैटेगरी नंबर क्या है, तो 143 कैटेगरी नंबर, 143 देख सकते हैं कहाँ है, 99, 143 ऊपर होना चाहिए, कहाँ है, ऊपर है 143 टर्नर वर्कशॉप, देखिए 50.92 है कट ऑफ, 50.92 और 54 और OBC का 45 था, तो 3 कम ही, एक एक दो दो पोस्ट है, 50 54, AC का UR का 50, AC का 54 और 30 आपका था OBC का, नहीं सॉरी OBC का देखे कट ऑफ हमें देखना है कितने नंबर कैटेगरी का, तो 143 का, देखिए गड़बड़ ना हो जाए, तो 155 38 और 30 था, 55 UR का, तो पहले UR का देख लेते हैं क्या है इसमें, तो यहाँ 50 हुआ है, ध्यान दीजिएगा कितनी कम पोस्ट थी, 143 में UR का 2 पोस्ट था, तो 55 से 50 आ गया, 5 नंबर कम आ गया। उसके बाद अगर OBC का देखेंगे तो 44 आ गया, तो ये थोड़ा लग रहा है कि जो कटअप था 143 नंबर का उससे ज़्यादा हो रहा है। 143 में OBC का कटअप देख सकते हैं 100
143, टर्नर वर्कशॉप ओबीसी का 45 था, तो यहाँ पे भी 45 से 43 आ रहा है, तो ये भी कटअप कम हो रहा है, आपका 44 हो रहा है। और उसके बाद आपका एक ही एससी का पोस्ट था तो यहाँ 54 हो रहा है, ये कटअप का आप देखिएगा एससी वाले में भी डिफरेंस हो रहा है। तो टर्नर का एससी का कटअप यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, किसमें आप देखिए 143 का टर्नर वर्कशॉप 54 है, सॉरी बढ़ा हुआ नहीं है दोस्त, दो सभी का कम हुआ है, देख सकते हैं 50 था, 54 था और ये 45 था, तो सब कम हुआ है यहाँ पे भी टर्नर का, जिसमें चार ही वैकेंसी थी। तो चलिए ये वैकेंसी है कम हो रहा है, सब में अच्छी बात है, लोगों की जॉब मिले। उसके बाद 148 नंबर में देखिएगा तो 148 में टोटल 12 लोगों का नाम है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 21 था, यानी उल्टा हो गया है 12 का 21, तो यानी 9 पोस्ट अभी यहाँ पे बाकी है। नीचे की तरफ देखेंगे 12 लोग, 54 नंबर 100 कैटेगरी में अगर देखते हैं तो 154 नंबर में 20 लोगों का नाम है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 33 है। और उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो लास्ट एक कैटेगरी आएगी जो हमारा 156 है, जिसमें मात्र 2 लोगों का नाम है, टोटल वैकेंसी 5 था वेल्डर वर्कशॉप का। तो पूरा देख के कंडीशन आपका ये प्रोविजनल है, इसके बाद में आपको जब ओरिजिनल देना पड़ेगा जब ज्वाइनिंग होगी, वैकेंसी क्या हुई थे आपका नोटिस के बाद कुछ भी चेंज हो सकता है ऐसा लिखता है। और फाइनल कंडीशन 28/11 का डेट है लेकिन आज 29 को पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिजाइन की कि क्या है कंडीशन। तो यहाँ पे हम जानते हैं एलपी की 2 पैनल आई है, पहले पैनल में आप देखते थे कि पहले पैनल में करीब 761 वैकेंसी यहाँ थी, पहले पैनल में 505 लोगों का नाम आया है और दूसरे पैनल में 230 लोगों का नाम आया था, दोनों को मिला दीजिएगा तो 735 होता है और 761 वैकेंसी थी, यानी थोड़ी सी वैकेंसी जो बची हुई है एलपी की। टेक्नीशियन में यहाँ वैकेंसी बहुत बड़ी थी, सभी टेक्नीशियन को मिला के 3060 वैकेंसी था, उसमें से पहले पैनल में अगर कहें तो 246, दूसरे पैनल में अगर कहें तो 298 और तीसरे पैनल जो आज आया है इसमें 375, सबको जोड़ देंगे तो 919 कैंडिडेट का नाम आ चुका है। और 919 अगर 3060 का कहें तो लगभग 1/3 के आसपास आपका टेक्नीशियन का आ चुका है। तो अब जो भी पैनल आएगा मैक्सिमम टेक्नीशियन का आएगा, एलपी का थोड़ा बचा हुआ है जो फाइनल आपको मिल सकता है कुछ समय के बाद। तो ये था हमारा RRB चेन्नई टेक्नीशियन प्रोविजनल पैनल, थैंक यू, धन्यवाद।